हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे भंडारधारा हिल स्टेशन। भंडारधारा महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। यह अपने वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 5 और 6 बहुत मेजर वाटरफॉल है। आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम रंदा वाटरफॉल आए हैं और यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, रंदा फॉल का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट जो है वो ये जगह है। यहाँ से रंदा फॉल एकदम खूबसूरत दिखता है और यहाँ से आपको दिखाते हैं रंदा फॉल की खूबसूरती। रंधा वाटरफॉल के पास में ही आपको 100-150 मीटर पर ही आपको ये एकदम सुंदर सा वाटरफॉल दिखेगा जिसका नाम है कतलपुर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों, रंधा वाटरफॉल में जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये दादा हैं, इन्होंने मेरे को एकदम ताज़ा भुट्टा बना के दिया हुआ है। आइए चलते हैं, दादा से 2-4 बातें पूछते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कोकटे। मैं इधर ही रंदा फॉल का रहने वाला हूँ। मैं इधर भुट्टा का गाड़ी चलाता हूँ 4 महीना बारिश में, और उसके बाद मैं गोला का गाड़ी चलाता हूँ, और एक मेरा गाड़ी चलता है गन्ने का जूस का। अगर आप यहाँ पे आते हैं रंदा फॉल पॉइंट पे, तो साई समृद्धि नाम बोल के यहाँ फेमस है। चाहे गोला हो, चाहे गन्ना का जूस हो, चाहे भुट्टा का गाड़ी हो, साई समृद्धि नाम से जाना जाता है। ये हम इधर 10 साल से गाड़ी लगाते हैं, 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इधर। अगर इधर विजिट करोगे तो जरूर हमारे पास आओ, हमारा भुट्टा का टेस्ट करो। हमारे पास गोला मिलता है बहुत तरीके का, अच्छा अच्छा फ्लेवर का पीसेस मार के जूसेस मिलता है। हमारे पास विजिट करो। तो दादा ने टेस्ट ले लो। अपना सब कुछ सुना दिया, क्योंकि इस रीजन में यहाँ पर ज़्यादा इनका लोग ज़्यादातर आते नहीं है। मानसून में लोग ज़्यादा करके आते हैं रंदा फॉल को घूमने के लिए। तो आप जब भी आएँ ऐसे जगहों पर या फिर ये पॉइंट पर आ करके दादा से भुट्टा ज़रूर खाएं। तो चलिए 5 मिनट में भुट्टा ख़त्म करते हैं और निकलते हैं वसुंधरा वाटरफॉल पर। कोलतंबे वाटरफॉल चलते हैं पहले, उसके बाद इधर से फिर चलेंगे वसुंधरा फॉल। वसुंधरा फॉल का रास्ता ये रहा है इधर से। ये यहाँ से 50 मीटर है कोलतंबे वाटरफॉल, और वसुंधरा फॉल यहाँ से लगभग 200 मीटर रहेगा, उतना ही है। दोस्तों, ये रहा कोलतंबे वाटरफॉल।
वसुंधरा फॉल से 5 मिनट का रास्ता है, उसके बाद आपको दिखेगा ये नानी फॉल। चलो फॉल से मात्र 2 मिनट का रास्ता है और आपको दिखेगा ये नेकलेस फॉल। इसका शेप आप देखेंगे नेकलेस जैसा दिखता होगा, ऊपर से आता होगा फिर बाद में डिवाइड होता है फिर आकर के मिल जाता है, इसलिए इसका नाम नेकलेस फॉल रखा गया। नेकलेस फॉल से थोड़ा सा 2 मिनट आने के बाद आपको इधर रहेगा वनराई वाटरफॉल, देखते हैं कैसा है ये। वनराई वाटरफॉल वाटरफॉल में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, कभी आप इस भंडार धारा रेंज में अगर आपको कैंपिंग करना है तो आपको जगह नहीं मिल रहा है, ये वनराई वाटरफॉल के नीचे एक छोटा सा केव है, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो बारिश में भी। अगर आप पूरा सेटअप लगा सकते हो कैंपिंग का और यहाँ से मस्त व्यू दिखेगा आपको वनराई वाटरफॉल का, यहाँ से सारे वाटरफॉल कल्तुबाई ट्रैक चांदन देवी सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक मिल जाएगा 10-15-20-30 किलोमीटर में। अमृतेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं, अब यहाँ से दर्शन करेंगे और सीधा निकलेंगे घर। इस अमृतेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस मंदिर को भूमिज मंदिर शैली के अंतर्गत रखा गया है। इसके बगल में ही आपको एक बावड़ी दिख रही होगी जिसका नाम है पुष्करणी। इसमें 3 तरफ से प्रवेश के लिए सीढ़ियां हैं तथा इसके अंदर की दीवारों में कई छोटे छोटे उप मंदिर बनाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को 1909 में
राष्ट्रीय महत्व घोषित किया। अमृतेश्वर मंदिर में महादेव जी का दर्शन करके जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारे सामने ये था। ये आदिवासी समाज की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है फुगड़ी।